नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। भाइयों देखो, आज का आपने देखा होगा जैसे कि थंबनेल, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने कबूतर के लिए जो अंडे देने के लिए भाई जो मिट्टी का बर्तन डालना क्यों जरूरी होता है भाई, और इसको बनाए कैसे, खुद से ही बना सकते हो आप, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ध्यान रहे बनाने वक्त कि भाई देखो इस तरह से भाई मिट्टी का बनाना, ठीक है भाई। मैं थोड़ा कैमरा को क्लोज कर देता हूँ। देखो भाई, ये रहा एक मिट्टी का बर्तन जो मैंने बना रखा है, आप देखिए मैंने खुद बनाया है भाई। पहले आप मिट्टी ले, ठीक है भाई, ये देखिए भाई। और इसकी देखो भाई, जो इसकी जो साइड की जो बाउंड्री है भाई, ज़्यादा ऊंची मत करना, क्योंकि भाई कबूतर को फिर दिक्कत हो जाता है अंदर बैठने में। आप इसको बिल्कुल सही रखना, ठीक है भाई। और देखो भाई, इस तरह से बनाना बिल्कुल प्लेन, ताकि अंडा को जो भाई इधर से उधर करने में, रोटेट करने में कबूतरों को दिक्कत ना हो। देखो भाई, इस तरह से आप बना सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा मिट्टी का भाई, ठीक है। और जो भाई जो चारा में डालते हैं ना भूसा, भाई हम लोग में तो भूसा बोला जाता है उससे, और पता नहीं उससे, और मिट्टी को आप अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद भाई इस तरह से आप हाथ से इसे बना सकते हो, और इसको करीब 2 दिन तक धूप में सूखने देना, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। आप देख सकते हो भाई, मैं उसको उठा के भी देख सकता हूँ, ये बहुत मजबूत है भाई। अगर आप मार्केट में खरीदते हो मिट्टी के बर्तन तो 30-40 रुपये का पड़ जाता, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बनाया है। देखिए भाई, बिल्कुल शानदार भाई, क्योंकि इसमें तो केवल अंडा ले करेगा भाई, ठीक है। इस तरह से देखिए भाई, अभी मैंने 3 बनाए हैं, और इसको मैं रख के भी दिखाऊंगा अपने पेटी के अंदर, ठीक है भाई। आप भी बनाएं अपने कबूतर के लिए, ताकि उसे दिक्कत ना हो अंडा देने में। भाई मैंने फिर इसे सेट कर दिया है अपनी पेटी के अंदर, आप देख सकते हो भाई। ये पेयर है जो मैंने कल भी दिखाया था, इस तरह से भाई मैंने रख दिया है, क्योंकि जोड़े वाले का उत्तर भाई और अडल्ट पेयर है तो अंडे वगैरह ले कर सकता है, ठीक है भाई। देखिए कितना शानदार है भाई, लंबाई चौड़ाई इसकी देखे भाई, इसमें आराम से कबूतरी बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसे बैठने में। और कोशिश करें कि आप भी अपने दरबे में इस तरह का मिट्टी का बर्तन बना के डालें भाई। इसके जो मिट्टी का बर्तन, उसका एक फ़ायदा भी है भाई, ये सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, जिससे आराम से कबूतर इस पर बैठ सकते हैं भाई। और ये खुद से बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन है। दूसरा पेड़ मेरा देख लें भाई, ये भी किस तरह से एडजस्ट हो चुका है भाई, दोनों पे एडजस्ट हो चुका है अपने अपने मिट्टी के बर्तन में, ठीक है भाई। आप भी बनाए इसी तरह से। ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ भाई, ठीक है, कोई ठीक नहीं भाई, इसलिए रख दिया ऐसे ही, 3 बना लिए थे मैंने। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, कबूतर को ज़्यादा पसंद आया भाई, दोनों बैठे हुए हैं जोड़े, तो फिर भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और अपने दोस्तों में भाई शेयर कर देना।